उज्जैन में बाबा महाकाल की नए वर्ष की पहली भस्म आरती हुई। महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया। नए वर्ष में बाबा को 56 भोग भी लगाया गया। बाबा के दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु पहुंचे और पहली भस्म आरती के दर्शन किए। तो विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में नए वर्ष की पहली भस्म आरती बिना श्रद्धालुओं की मौजूदगी में संपन्न हुई। भस्म आरती में बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए गेट खोले गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के हर कोने से पहुंचे और सुबह सुबह बाबा के दर्शन किए। तो हमारे साथ उज्जैन से संतोष कृष्णानी जुड़ गए हैं लाइव। संतोष जी, आज पहली भस्म आरती हुई है बाबा महाकाल की नए साल की, और किस तरह का माहौल वहां देखने को मिल रहा है? क्योंकि नए साल पे बहुत सारे श्रद्धालु, मुझे लगता है कई श्रद्धालु वहां पहुंच चुके होंगे सुबह सुबह बाबा के दर्शन के लिए, तो क्या माहौल है वहां पर? शुभांगी, बस सबसे पहले तो बंसल न्यूज आज बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती सबसे पहले बंसल न्यूज के सभी दर्शकों को दिखाई है। नए वर्ष की शुरुआत सभी श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल की भस्म आरती के बाद, जैसे ही बाबा महाकाल के दर पर श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया तो हजारों की संख्या में रात्रि में ही बाबा महाकाल की नगरी में पहुंच चुके थे। और जैसे इंतजार था बाबा महाकाल की भस्म आरती के बाद, और यहाँ का नजारा हम आपको दिखाएंगे। जो श्रद्धालु, पूरा परिसर है जयकारों से गूंज चुका है। हर श्रद्धालु सबसे पहले नए वर्ष पर बाबा महाकाल की एक झलक पाने को आतुर था, और जैसे ही बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे तो उन्होंने बाबा महाकाल के प्रति अपना आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद के साथ उन्होंने नए वर्ष पर मनोकामनाएं मांगी है कि ये जो हमारा साल है वो अच्छा से अच्छा बीते, क्योंकि 2020 साल था वो पूरा कोरोना काल के चक्कर में हमारा पूरा फेल रहा हो, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना महामारी के कारण पूरे लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल से वंचित रह गए थे। दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं उनको दर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। लॉकडाउन के चक्कर में भी श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जैसे ही अनलॉक चालू हुआ उसके बाद बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे। और आज की जो शुरुआत है, नए वर्ष की शुरुआत सभी भक्तों ने, सभी श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के साथ किए। हम आपको श्रद्धालुओं से बात कराते हैं, आज नए वर्ष की शुरुआत आपने बाबा महाकाल से की है, क्या मनोकामनाएं मांगी है? बाबा से मनोकामना यही मांगी है कि सभी का जीवन खुशहाल बनाए रखे, और इस नव वर्ष में सभी के लिए एक नए संयोग के साथ नए नए उपहार, बाबा की कृपा हर एक पर बरसती रहे। जय जय श्री महाकाल। हर एक पर बरसती है। आप भी, आप बाबा के दर पे आए नए वर्ष की शुरुआत की मनोकामना की क्या कहते हैं? बाबा के दर्शन में हम लोग यही कहना चाहेंगे कि ये तांडवकारी महादेव का दर्शन अगर सुबह सुबह नए वर्ष पे हुआ है तो सभी मित्रों, इष्ट मित्रों, अभिभावकों के जीवन में जितने सारे कष्ट है जो तांडव है वो हर ले बाबा, हम लोगों को खुश रखे, प्रसन्न रखे नए जीवन पे, यही अभिलाषा लेके हम लोग। संकट दूर था, संकट के कारण भस्म आरती में श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दी गया, तो बाबा से आपने क्या मनोकामना है विश्व शांति के लिए? विश्व शांति के लिए बाबा से हमने यही मनोकामना की है कि ये जो कोरोना काल में इतनी बड़ी आपदा देश पे जो आई है और राष्ट्र में जो आई है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो आया है, सभी के दुखों को हरे, और सभी लोग 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, ठीक है? बिल्कुल, श्रद्धालु भी यही चाहते हैं कि मास्क लगाकर 2 गज की दूरी रखें। लेकिन आज का जो नजारा, नए वर्ष की जो शुरुआत बाबा महाकाल के दर से सभी श्रद्धालुओं ने किए, और पूरा परिसर श्रद्धालुओं से बटा हुआ है। जय जयकारों के नजारों से बाबा महाकाल का आंगन गूंज उठा है, और आप श्रद्धालुओं के चेहरों पर भी देख सकते हैं, चंदन का तिलक लगा है, आप श्रद्धालुओं के चेहरे देख सकते हैं, बाबा महाकाल की एक झलक पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बम बम बोले बाबा महाकाल की जय जयकारों से पूरा जो परिसर है वो गूंजा चुका है बाबा महाकाल के आंगन में। कई ऐसे यूथ आए, कई यूथ जो रहते हैं वो पार्टी नए साल में यूथ जो रहता है वो जश्न की पार्टी में रहता है, लेकिन आप सबसे पहले बाबा महाकाल के दर पर आई हैं, क्या मनोकामनाएं मांगी हैं? मनोकामनाएं जो है वो बताई थोड़ी जाती है, तो जो मांगना था वो मांग लिया। अभी आज नया वर्ष है, बाबा महाकाल के दर पर आए, क्या खास आपने? मैंने
अपने माँ बाप के लिए मांगा है, जो भी मुझे मांगना था उन्होंने वैसे तो मेरी मनोकामना पूरी कर दी दो दिन पहले, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं दर्शन करने आई थी। बिल्कुल, यूथ का यही कहना है कि जश्न तो इससे लाखों होते हैं, लेकिन बाबा महाकाल की एक झलक पाकर हम अपने आप को धन्य मानते हैं। और बाबा भी ऐसा है कि सभी श्रद्धालुओं का मोह लेते हैं, और सभी श्रद्धालुओं के बीच बाबा आकर इस तरीके सुगमता से दर्शन। आप बताएं, आप बाबा महाकाल के दर पर नए वर्ष में आइए, क्या मनोकामना लेकर आए? सबको भगवान सुखी रखे, दोस्तों को, पूरे देश को, सब परिवार को, सबको। 2020 पूरा कोरोना के संकट में आया, काल के चक्कर में फंसा हुआ था, 2021 आया है, क्या बाबा से आपने दुआएं मांगी जो वैक्सीन आने वाली उसको लेकर? क्या सबकी सफल बाबा, वैक्सीन सारे सफल, सबको सफल हो। आप क्या कहना चाहिए? इस कोरोना ने मानवता को जिंदा कर दिया पुनः, और आज की डेट में किसानों से ये कहूंगा, कृपया उठ जाए, आप गलत डिमांड पे बैठे हुए। बिल्कुल, इन्होंने बाबा महाकाल से किसानों के लिए प्रार्थना की है कि किसान एक गलत तरीके से धरने पर बैठे हैं, तो किसानों को सद्बुद्धि दे, और किस प्रकार जो आंदोलन चल रहा है उसको भी बाबा महाकाल समाप्त करे, यही जो श्रद्धालु मनोकामनाएं लेकर आए। लेकिन सबसे बड़ा आज का जो नजारा है वो नए वर्ष पर बाबा महाकाल के आंगन में सभी श्रद्धालु हंसते खेलते बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का जो काल था 2020 गया है, वो पूरा कोरोना काल के चक्कर में गया। कहते हैं काल के चक्कर से 2020 निकला है, और 2021 की जो आज से जो शुरुआत हुई है, मतलब मानो कि अगर कोरोना काल अगर इस वर्ष में खत्म होता है तो सभी के चेहरे एक बार पुनः खिल उठेंगे। पूरे देश से नहीं, पूरे विदेश में श्रद्धालुओं के लिए बाबा महाकाल से सभी ने यही मनोकामना की है, पूरे विश्व शांति के लिए बाबा महाकाल से सभी श्रद्धालुओं ने मनोकामनाएं मांगी है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि बंसल न्यूज के खास जो दर्शक देख रहे हैं बाबा महाकाल की सुबह सुबह भस्म आरती के बाद, श्रद्धालु यहाँ जो जुटे हैं, और वाकई में काबिले तारीफ है, लगभग 1 से 1.5 घंटे में एक श्रद्धालु को बाबा महाकाल के सुगम तरीके से दर्शन हो रहे हैं। और बात करें दिन भर की, तो सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक आम श्रद्धालुओं को दर्शन होंगे। नंदी हाल में किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि जिस समय वीवीआईपी आते हैं, अगर नंदी हाथ से दर्शन करते हैं तो जो आम श्रद्धालु लाइन में लगकर दर्शन करते हैं तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दर्शन नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने ये जो निर्णय लिया है उसकी भी श्रद्धालु तारीफ करते हैं, कि आम श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर पर आता है तो न कोई राजा है न कोई रंग है, सभी बाबा महाकाल के एक समान भक्त हैं। जी शुभंगी जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर संतोष, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें भस्म आरती के बाद दर्शन कराने के लिए। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में नए वर्ष की पहली भस्म आरती हुई, जिसके बाद श्रद्धालुओं का वहां तांता लगा। श्रद्धालुओं की मनोकामना रहती है कि नए वर्ष की शुरुआत कालों के काल महाकाल के दर्शन से हो, और 2020 जो कोरोना के साय में बीता है, अब जो नया वर्ष आया है हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में, से कोरोना महामारी समाप्त हो और हम सभी के लिए यह नया साल मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सभी श्रद्धालु वहां पहुंचे।